Hello, i welcome you all once again to my channel explore education i am dr rashmi singh assistant professor department of education ss khanna girls degree college university of allahabad and nowadays we are <coughs> discussing the topics of educational statistics in which i have already covered the concept of the measures of central tendency and how to compute mean median and mode for both the grouped and ungrouped data now it is the term of measures of variability okay िटी की विचलनशीलता का मापन है ना कितना वेरी कर रहा है कितना हम डिफर कर रहे हैं कितना अंतर है इसकी बात करने जा रहे हैं तो जरूरत ये है समझने की क्या जरूरत है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी पढ़ने की हमने तो सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ लिया और हमें बहुत कुछ उसे पता भी चल गया कि औसत क्या है माधिका क्या है बहुलक क्या है बहुत कुछ हमको डेटा के बारे में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ने ज्ञान दे दिया तो क्या जरूरत है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी की और कहा सेंट्रल टेंडेंसी की मापे प्रवृत्तियां जो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे हैं वो कहाँ कम पड़ती हैं ये जानना है तभी तो समझेंगे वेरिएबिलिटी क्या है क्यों जरूरी है तो

क्यों ऐसा है ऐसा इसलिए है कि वितरण में वेरिएशन हो सकते हैं विचलनशीलता हो सकती है विभिन्नताएं हो सकती हैं इसलिए जो एवरेज है वो कई बार हमारे आंकड़े का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता है हाउ एवर दी एवरेज नॉट बी अच्छा यही लाइन दो बार हो गई है चलिए कोई बात नहीं तो फॉर एग्जाम्पल समझते हैं जैसे देख लीजिए दो डेटा सेट दे हैं डेटा ए डेटा बी डेटा ए में अंक है आठ दो छः चार आठ दो दस पाँच पाँच दस तो एन इज इक्वल टू आएगा टेन जोड़ लीजिए एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ठीक है टोटल जोड़ेंगे तो साठ आएगा तो मीन कितना हो गया कि टोटल से पूरे एन नंबर से भाग दे देना है तो छ आया दूसरा डेटा सेट हमको मिला है बी इसमें अंक देखिए सात 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 छः सात पांच पांच छह पांच, पांच पांच यहां भी एन इज इक्वल टू टेन है और टोटल इज इक्वल टू सिक्स है यानी कि ये दो डेटा सेट का अगर हमको डिस्ट्रीब्यूशन ना पता हो तो हमको तो यही पता चलेगा कि हाई भाई दोनों का औसत है जो छ है लेकिन इसमें देखिए आप पहले वाले डेटा सेट में दो से लेके दस तक वेरी कर रहा है नंबर यानी कि कम से कम दो से अधिकतम दस तक गया है लेकिन औसत तब भी छह है और यहाँ सिर्फ पांच से सात तक कर रहा है या तो पांच है या छह है या सात है तब भी आपका औसत या माध्य जो है वो छह है इसका मतलब जो औसत है वो कई बार हमको ये नहीं बता पाता है कि आंकड़े भाई छह औसत है इसका मतलब यही तो लग रहा है ना कि पांच होगा कुछ अंक छह होंगे कुछ सात होंगे ये तो नहीं पता चल रहा है यहाँ देखने से कि दो भी हो सकता है कोई दस तक भी जा सकता है यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्कोर्स जो है वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं बता पाता है <coughs> यही लिखा इसमें कि द मीन इज सेम फॉर डेटा ए एंड डेटा बी दोनों ही आंकड़ों के लिए औसत या माध्य छह है बट द डेटा वेरी इन टर्म्स ऑफ देयर डेविएशन फ्रॉम द मीन लेकिन दोनों ही आंकड़ों में दोनों ही जो अंक हैं वो जो औसत है उसे बहुत ज्यादा विचलित कर रहे हैं यहाँ सिर्फ अगर छह मान आया तो पांच और सात यानी कि प्लस वन माइनस वन का अंतर और यहाँ पे माइनस फोर से लेके प्लस फोर तक का अंतर है, है ना माइनस फोर यानी दो प्लस फोर यानी कि दस यहाँ तो सिर्फ माइनस वन प्लस वन है तो ये कह रहा है कि दी कंसेप्ट ऑफ वेरिएबिलिटी की इसलिए हमें जरूरत पड़ती है हमको पता चलना चाहिए कि वेरी कितना कर रहा है डेटा मीन से इसी को डिस्पर्सन इन डेटा भी कहते हैं कि डेटा में कितना प्रकीर्णन है आंकड़ों में कितना प्रकीर्णन है एक्चुअली रिफर्स टू देरिएशन दैट एग्जिस्ट विद इन किसी समूह से आपको मिला है तो उसमें आपस में और दूसरे से वो कितने वेरी कर रहे हैं ये हमको कंसेप्ट ऑफ वेरिएबिलिटी से या डिस्पर्सन से पता चलता है तो डिस्पर्सन है क्या इट इज एन इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिक ये एक महत्वपूर्ण सांख्यकीय गुण है विच हेल्प अस टू नो हाउ फार दैम्पल पॉपुलेशन वेरीज फ्रॉम दूनिवर्स पॉपुलेशन देखिए बार बार आपसे बात हो गई है कि यूनिवर्स पॉपुलेशन और सैंपल क्या होता है यूनिवर्स वो सब जो हम अध्ययन करना चाहते हैं और चूंकि ये थियरटिकली uh, uh, मतलब प्रैक्टिकली uh, पॉसिबल नहीं है कि आप हर किसी को जो भी आपने अपने पॉपुलेशन में कवर किया है जाकर स्टडी कर सकें तो इसलिए हमको उसका सैंपल चुनना होता है पूरी क्वान्टिटेटिव स्टडी का बेसिस यही है कि जितना सटीक आप सैंपल चुनेंगे उतना सटीक आप जनरलाइजेशन कर पाएंगे जनरलाइजेशन मतलब आप बता पाएंगे कि पूरी जनसंख्या पे वो नियम वो बात लागू होती है कि नहीं जो आपने निकाली है लेकिन होता क्या है कि हमारी सैंपलिंग तो सटीक होती नहीं है क्यों एरर आ जाती मतलब हमको देखने से अंतर पता चल रहा है लेकिन वो अंतर क्या एक्चुअली एग्जिस्ट uh, करता है या वो अंतर सैंपल में पॉपुलेशन और यूनिवर्स uh, पॉपुलेशन के मीन में जो अंतर आ रहा है वो किसी एरर <coughs> के कारण है तो ये हम बाद में पढ़ेंगे और ये समझना चाह रहे हैं कि क्यों के बाद हमको एक वेरिएबिलिटी को भी पढ़ना समझना जरूरी है ये जानने के लिए कि औसत तो इतना है लेकिन औसत से बाकी डेटा कितना डिफर कर रहे हैं क्या ज्यादा ज्यादा डिफर कर रहे हैं कम डिफर कर रहे हैं वितरण कैसा है उनका इसके लिए वेरिएबिलिटी के मेजर की जरूरत पड़ती है अरे ये कहां से आ गया गलती से कोई बात नहीं

इसलिए सेंट्रल टेंडेंसी की मापों के अलावा हमको ये भी जरूरत है कि ये भी हमको कोई सूचकांक बता दे कि जो माध्य से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के दोनों तरफ कितना है किस हिसाब से है ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज ए समरी ऑफ स्कोर्स एंड मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज समरी ऑफ द स्प्रेड ऑफ स्कोर्स यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे हमें हमें आंकड़ों का सारांश बताती हैं कि एक सिंपल फिगर में बता देंगे कि इतना औसत है इतनी माध्यिका है इतना बहुलक है जबकि जो हमारा प्रकीर्णन की मापे हैं जो विचलनशीलता की मापे हैं वो हमको ये बताती हैं कि डेटा जो है वो किस तरीके से फैला हुआ है उसका फैलाव उसका प्रसार क्या है ओके okay. तो अकॉर्डिंग टू मीएम किंग एंड बियर दो में इन्होंने बताया कि मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी एक्सप्रेस क्वांटिटेटिवली द एक्सटेंट टू विच स्कोर इन डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर अराउंड और क्लस्टर टुगेदर मतलब इसने ये बताया कि जो विचलनशीलता की मापे हैं उनका क्वान्टिटेटिवली ये एक्सप्रेस कर सकते हैं कि किस सीमा तक ये जो स्कोर हैं वो स्कैटर्ड हैं अराउंड और क्लस्टर टुगेदर ये क्लस्टर टुगेदर मतलब आसपास हैं जैसे पांच छह सात है या स्कैटर उनका ज्यादा है प्रकीर्णन ज्यादा है जैसे दो छः पांच आठ दस ऐसे है. तो ये हमको मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी बताता है दे डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ एन एंटायर सेट ऑफ स्कोर्स दे डू नॉट स्पेसिफाई हाउ फार अ पर्टिकुलर स्कोर डाइवर्जस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्रुप ये हमको स्प्रेड तो बताते हैं पर ये हमको ये विशिष्ट नहीं बता पाते कि सेंटर uh, <coughs> से कितना पर्टिकुलर स्कोर कितना डाइवर्ज है वो एक हमको मोटा-मोटा अनुमान -मोटा दे देते हैं वेरिएबिलिटी uh, का तो खास बात ये कि मेजल्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक इनसफिशियंट बेस हमको कंपैरिज़न के लिए प्रोवाइड करता है इसलिए वेरिएबिलिटी इन डेटा या मेजल्स ऑफ वेरिएबिलिटी को जानना जरूरी है और इसका महत्व तो क्या क्या है ये हर बार आ रहा है ये कैसे आ गया मुझे बनाते वक्त ही पता चला तो इंपॉर्टेंस इसकी क्या है इसीलिए ये इसके नीचे नहीं जा रहा था तो मैं टाइप कर रही थी जिसके ऊपर नहीं चलिए कोई बात नहीं तो इसकी महत्ता क्या क्या है कि यूजेंट टू तो टेस्ट एक्सटेंट विच एन एवरेज रिप्रेजेंट ऑफ डेटा यानी एवरेजेंट कब प्रयोग किया जाएगा इसका प्रयोग यह है कि हमको वो सीमा पता चल जाए वो एक्सटेंट पता चल जाए जहां की औसत जो है वो जो आंकड़े मिले हैं उनका किस सीमा तक रिप्रेजेंटेशन कर रहा है मतलब किस हद तक किस लिमिट तक वो उसको सही सही रिप्रेजेंट कर पा रहा है फिर हेल्पस इन आइडेंटिफाइंग द नेचर एंड कॉज ऑफ वेरिएशन इससे हमको ये पता चल जाएगा कि जो वेरिएशन है जो विभिन्नता है उसका कारण क्या है उसकी प्रकृति क्या है इसकी पहचान हो जाएगी हेल्प इन दम्पेरिजन ऑफ दिस इन टू और मोर सेट्स ऑफ डेटा विद रेस्पेक्ट टू देयर यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी इसे हमें यह पता चलता है कि दो या दो से अधिक आंकड़ों का अगर हमको समूह मिला है तो उसमें हम उनके स्प्रेड का किस तरीके से फैलाव है किस तरीके से वितरण है इसकी तुलना कर सकते हैं कितना यूनिफॉर्म है और कितना कंसिस्टेंट देखिए एक बात और यहाँ पे इसको बता दू तब बताती

होमोजिनस होगा होमोजिनस का मतलब समांग होगा एक तरीके का होगा तो वेरिएबिलिटी क्या आएगी कम आएगी और जितना वेरिएबिलिटी ज्यादा आएगी उतना आपका डेटा क्या होगा हेट्रोजीनस होगा यानी विषमांग होगा यानी कि उसमें बहुत ज्यादा फैलाव होगा बहुत वितरण होगा बहुत प्रकीर्णन होगा ठीक है तो ये तो कंसेप्ट हुआ इसका अब बस एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव डिस्पर्सन हमको जानना है और उन दोनों के हमने ये सब क्यों बताना चाह रहे हैं आपको क्योंकि आपसे मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे डिस्कस करना है तो पहले हमें पता तो चले कि डेविएशन क्या है वेरिएबिलिटी क्या है सीधे एक्चुअली हम लोग सवाल पर चले जाते हैं सवाल से पहले कंसेप्ट समझते नहीं है तो सवाल कैसे समझ में आएगा पहले कंसेप्ट समझिए तब सवाल समझिए और तब सवाल का फॉर्मूला याद कीजिए तब याद करिए कि में क्या क्या रखना है और सही सही कैलकुलेशन कीजिए तब तो आएगा ना चलिए तो एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव डिस्पर्सन यानी कि एकदम हमको सटीक मान पता चल जाए और हमको सापेक्ष मान पता चल जाए डिस्पर्सन का है ना तो इन मेजरिंग डिस्पर्सन इट इज इम्परेटिव टू नो द अमाउंट ऑफ वेरिएशन हमको ये पता होना चाहिए कि, कि कितना वेरी कर रहा है इसको एप्सुल्यूट मेजर कहते हैं एंड द डिग्री ऑफ वेरिएशन बहुत स्पेलिंग मिस्टेक एंड पता नहीं क्या क्या कर दिया मैंने स्लाइड बनाने में तो इट इज इंपरेटिव टू नो अमाउंट ऑफ वेरिएशन यानी कि एब्सोल्यूट मेजर पता होना चाहिए और वेरिएशन की डिग्री पता होना चाहिए कि कि किस सीमा तक वेरिएशन है इसको रिलेटिव मेजर मेजर कहते हैं तो इन केस यानी एब्सोल्यूट में हम लोग क्या क्या नापते हैं रेंज नापते हैं जिसको आप प्रसार कहते हैं मीन डेविएशन जिसको माध्य विचलन कहा जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको मानक विचलन कहते हैं और आपको पता होगा अगर आप के कोर्स में है ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन के कितने सवाल पूछे जाते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए बेसिस है उसके बाद आप बहुत सारे टेक्निक्स में स्टैंडर्ड का यूज होता है। तो ये एप्सोल्यूट डिस्पर्सन का ही प्रकार है कि हमें एक्चुअली अमाउंट पता चल जाए कि कितना वेरी कर रहा है डेटा तो रेंज यानी प्रसार माध्य विचलन और मानक विचलन आपके डिस्पर्सन में आ गए और इन लेटर केस बाद वाला कौन सा है ये रिलेटिव मेजर वी कंसिडर दी रिलेटिव ना सापेक्ष मान निकाल रहे हैं तो सापेक्ष में हम क्या निकालेंगे गुणांक निकालेंगे कितना परसेंट अलग है कितना परसेंट वेरी कर रहा है तो इसलिए इसमें गुणांक निकाला जाता है को एफिशियंट ऑफ रेंज को इफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन एंड को इफिशियंट ऑफ वेरिएशन यानी यहाँ पे रेंज मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे और रिलेटिव मेजर में इसी का कोफिशियंट निकाल देंगे इसी का कोफिशियंट इसी का कोफिशियंट समझ में आया

और ये हमको बताता क्या है ए मेजर ऑफ वेरिएशन फ्रॉम द मीन ये हमको बताता है कि औसत से कितना वेरी कर रहा है जो भी आपका डेटा है और रिलेटिव डिस्पर्सन क्या बताता है इट इज द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग स्टैंडर्ड डेविएशन बाय द मीन यानी कि मानक विचलन को जब औसत से भाग दे देंगे तो जो निकल के आएगा वो रिलेटिव डिस्पर्सन है यानी कि सापेक्ष विचलन एंड इट मे बी प्रेजेंटेड एज कोशन और परसेंटेज और इसको किसी न किसी गुणांक में या प्रतिशत में निकाला जाता है तो खास बात आपके समझने की क्या हुई कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अपर्याप्त है क्यों अपर्याप्त है हमको मीन तो पता चल जाता है पर वितरण नहीं पता चलता समरी ऑफ स्कोर तो पता चल जाता है पर स्प्रेड ऑफ स्कोर नहीं पता चलता तो उसके लिए मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी की जरूरत है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी से हमें चीजें यह भी पता चल जाती है कि डेटा किस तरीके से स्प्रेड है होमोजीनस होगा एक जैसा होगा तो वेरिएबिलिटी का मान कम आएगा हेट्रोजीनस होगा तो वेरिएबिलिटी का मान ज्यादा आएगा और ये <coughs> दो मुख्य प्रकार का है जब हमको एक्चुअल अमाउंट पता हो

So, I have completed this very topic. Thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education. I have done from my side.